नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूँ दृष्टो। दोस्तों, पर्सनल सेशन के दौरान बहुत सारे लोगों का इस पर प्रश्न होता है और ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है, तो इस सभी का उत्तर आप इस वीडियो में जान सकते हैं। हाउ टू बी रीयूनाइट फास्ट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम से या स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है उससे कैसे मिल सकते हैं। अगर मिलने की बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग मान लीजिए मैरिज हो गई है, ऐसे फॉर्म में है जब पॉसिबल नहीं है, तब हम कैसे इन पावर को अपनी हीलिंग के थ्रू 5D डायमेंशन में मिल सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, हमारे इंडिया में भी इस तरह की स्टोरीज हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, जिससे इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। शिव और पार्वती की जो स्टोरी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे विक्रमादित्य, आपने सुना होगा विक्रमादित्य और चित्रलेखा की स्टोरी इस पर बेस्ड है, जो कि ट्विन फिल्म जर्नी पे बेस्ड थी। हम इनकी दोनों स्टोरीज के माध्यम से समझेंगे कि फास्ट कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और कैसे काम करना होगा, इनर वर्क आखिर कब तक करना होगा। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जो कर रहे हैं लगातार वो भी पूछते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम पहली स्टोरी देखें, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शिव और पार्वती की स्टोरी से। देखिए, उनके जो पिताजी थे, उसके बाद वो मैरिज नहीं करना चाहते थे पार्वती जी की शिव से, क्योंकि वो एकदम अनकंडीशनल था, मतलब कि जो भी ट्रेडिशन थे बाहर था, ऐसी स्थिति उनकी थी शिव जी की। तो भूत पिशाच और ऐसे लोगों के साथ रहना और अपनी मतलब जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी, लेकिन वो एक ऐसे स्टेज पे थे जब शिव जी से पार्वती जी को प्यार हो जाता है। अब वहाँ पे देखिए कि दोनों एक जर्नी में है, लेकिन उनको पाने के लिए पार्वती जी काफ़ी एफर्ट भी करती हैं। अब पात हो जाती हैं, मैरिज यूनियन हो जाता है, लेकिन बीच में सेपरेशन का दौर आता है। क्यों आता है? देखिए, जब उनके पिताजी कोई हवन कर रहे होते हैं, तो उस हवन में उनको इनवाइट नहीं किया जाता शिव को, पार्वती को, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती, वो जाना चाहती हैं अपने पिताजी के साथ, लेकिन शिव यहाँ पे मना करते हैं। और एक्चुअली कुछ सम काइंड ऑफ ईगो, सम काइंड ऑफ मतलब थोड़ा डिसबैलेंस कह सकते हैं, इनबैलेंस कह सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिसमैच हो रहा है। वो मिसमैच क्यों है? क्योंकि वो सम काइंड ऑफ ईगो क्लैश वो फेमिनिन एनर्जी के अंदर है। अब डिवाइन फेमिनिन जब वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि पूरी तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई भी मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो अपनी आत्मदाह कर लेती हैं और एक बार फिर से सेपरेट हो जाती है। उस समय डिवाइन मैस्कुलिन शिव जी काफ़ी बेचैन होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है। उसके बाद सती पार्वती जी का रूप लेके आती हैं और रीयूनियन फिर से होता है। एक्चुअली वो रिबर्थ होके वो हुआ तो वो हम सब जानते हैं। तो लेकिन ये जो फेज चला अप डाउन वाला, क्योंकि ये डिवाइंस पावर की सेपरेशन में भी लाइफ में होता है, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी जो स्टोरी आती है वो है चित्रलेखा। इन दोनों स्टोरीज में एक चीज़ कॉमन है, आप देखेंगे कि चित्रलेखा में बचपन से प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको पता है कि मेरी ये जर्नी है, और विक्रमादित्य को ये चीज़ नहीं पता है, और वो भी बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, इनर वर्क और इन सब चीज़ों पे ध्यान देते थे एक्चुअली। उन्होंने कई सारे, उनके नाम पे हम विक्रमादित्य संवत, शक संवत कैलेंडर भी देखते हैं, बहुत सारे शास्त्र और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। एक्चुअली बहुत ज्ञानी पुरुष थे वो, डीप 5D डायमेंशन, आपके दूसरे डायमेंशंस में जाके उन सब नॉलेज को इस अर्थ पे ला रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन अब वो क्योंकि जान नहीं रहते हैं, लेकिन चित्रलेखा कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रही थी। कई सारे मैरिज प्रपोजल आते हैं उनके सामने पर वो मना कर देती हैं, वो जानती हैं कि वो पर्सन नहीं है, और फिर इसलिए वो स्वयंवर रखती हैं उनके पिताजी। उसमें विक्रमादित्य आने वाले नहीं होते, लेकिन उनके दोस्त के साथ आ जाते हैं वो। अब वो जैसे ही वो दूसरे के साथ आते हैं, तो वो सारे साइन जो मैंने आपको बताया है ट्विन फिल्म जर्नी में जो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ट्विन फिल्म कनेक्शन था। आप देखिए, और कई बार इसमें प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आती हैं, जैसे कि उनके लाइफ में कोई अप्सरा आती है और वो उन्हीं का रूप धारण करके आती है, वो कहती है कि वो दिखाती है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, भ्रम क्रिएट करती है कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, आप मेरे साथ आ जाइए, बहुत खूबसूरत होती है वो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो सीधे मना कर सकती देते हैं कि मैं इनके साथ नहीं तो किसी के साथ। इस तरह की परीक्षाएं, इस तरह की एक्चुअली ये स्टोरीज हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें। अब इसमें भी एक बात कॉमन है कि रीयूनियन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फास्ट कैसे हो रहा है, कि जब सम काइंड ऑफ ईगो, जो एनर्जीज डिसबैलेंस है, जो पास्ट लाइफ में डीड्स किए गए हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते, उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। मतलब किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है यहाँ पे, ना किसी चीज़ को उठाना है, ना मतलब आपको एंगर आ रहा है तो उसको भी नहीं दबाना है, ना आपको एंगर आ रहा है उसमें जब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है या उसको करने लगे, तो दोनों ही मिडिल फेज में रहना है, उसको समझना है दिस इज ए एनर्जी।
अब इस तरह की एनर्जी होगी उसको क्लियर करना है समझ के माध्यम से, इस तरह से हम अपनी जर्नी को पूरा कर पाते हैं। एक्चुअली आपके जो चक्र होते हैं उनमें अगर किसी भी पार्ट में ब्लॉकेज है, आपके हॉरोस्कोप में कोई ऐसा दोष क्रिएट हो रहा है या ऐसी कोई कंडीशन है, तो रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता, होता है देन सेपरेशन हो जाएगा। इस जर्नी में कई कई बार ऑन ऑफ स्थिति बनी रहती है, मैरिज किसी और से हो जाती है देन फिर वो परेशान होते हैं कई बार किसी बर्थ में, तो फिर अपने आप को हील करते हैं, इन सब चीज़ इनर वर्क करते हैं बहुत सारे। इसी चक्कर में दोस्तों कई सारे लोग देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करने लगे हैं, तो मेरे से बात करते हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, बेहतर हो जाए, अपने अंदर की फीलिंग क्लियर करना चाहते हैं कि मुझे ये पेन ना हो, मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। तो कई सारे बार तो हम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि देखिए दुख में ही व्यक्ति इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर दुख नहीं होता है तो बहुत ही नॉर्मल लेता है एक्चुअली इन सब चीज़ों को और सोचता है कि ठीक हो ही जाएगा। जैसे ये सब होता है तो हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और हम अपने आप पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो आप पर्टिकुलर जानिए कि आपको किस चक्रा पे काम करना है, उन सभी चीज़ों को स्टडी करिए। मैंने हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे योग बताए हैं और जो स्टेजेस होती हैं आप समझिए कि आप किस स्टेज पे हैं। मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिंक आपको दे दूंगा जो मैंने इससे पहले वीडियो बताई है, स्टेजेस के बारे में बताया है, ट्विन फ्लेम की जो स्टेजेस होती है, आप पर्टिकुलर किस स्टेज में हैं, आप किस टाइप का आपका रिलेशनशिप है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। मैंने टाइप भी एक्चुअली बताया है ट्विन फ्लेम के, तो उन दोनों वीडियोस को आप देख के काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझ के, और चक्रा हीलिंग के बारे में तो मैं और वीडियो बताऊंगा किस किस तरीके से हीलिंग आप कर सकते हैं, क्या चक्रों के बारे में बताऊंगा, और इन सब को चीज़ों को आप हील करके बहुत आसानी से अपने जितने भी पास्ट लाइफ उस तरह के अकाउंट है, एनर्जीज क्रिएट किए हैं निगेटिव और आपका ऑरा बेहतर नहीं बन पा रहा है, जिससे आप अपने रियल ट्विन फ्लेम या इस केस में दोस्तों फॉल्स ट्विन फ्लेम भी बहुत आते हैं, आप सावधान रहिएगा, तो आप कन्फ्यूजन से निकल पाएंगे और क्लियर रास्ता चुन पाएंगे। सो दोस्तों ये एक मेथड है कि हाउ टू बी रीयूनाइट फास्ट, अपने ट्विन फ्लेम से कैसे फास्ट मिल सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके सैक्रल चक्र पे, विशुद्धि चक्र पे, हार्ट चक्र पे कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत होगी तो जाहिर तौर पे आपके थ्रोटल चक्र में प्रॉब्लम आ रही होगी। इस तरह से सभी चक्रों की एक एबिलिटी होती है, एक गुण होता है, हॉरोस्कोप में तो क्लियर पता चल जाएगा एक्चुअली। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से हमको इनर वर्क करना है और कोई भी मेथड अपनाइए, विपस्सना करिए, मैं बताऊँगा कैसे करेंगे आप करिए। चाहे आर्ट लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, वहाँ आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको तो बताऊंगा ही कैसे इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है जिससे आप अपना ग्रोथ कर सकें, अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि मैं आगे की इसी पूरी सीरीज को लाता रहूँगा और जिसमें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, नमस्कार दोस्तों।